बाड़मेर के चौहटन रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर इन दिनों ओवर और अंडर ब्रिज का कार्य चल रहा है। वहीं ब्रिज निर्माण के दौरान यहां पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 का बाहरी भाग अब तोड़ने की तैयारी में है। विद्यालय के आगे का हिस्सा तोड़ने के निर्णय के बाद यहां पढ़ने वाले करीब 350 बच्चे चिंतित हैं, तो उनके अभिभावक भी लामबद्ध हो गए हैं। क्षेत्रवासियों ने नंबर 4 स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया और मंगलवार को विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रशासन से बात की। गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी बैठक में पहुंचकर संघर्ष समिति और विद्यालय प्रशासन के साथ वार्ता की। विद्यालय का आगे का कुछ हिस्सा तोड़ने और पुनः निर्माण तक गंगा स्कूल में विद्यालय को शिफ्ट करने पर सहमति बनी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इन दिनों विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों से जहां लोग भविष्य की सुविधा को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, तो कई स्थान ऐसे भी हैं जहां इन विकास कार्यों की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसी ही एक समस्या से आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को अपना विरोध जाहिर किया। दरअसल बाड़मेर के चौहटन रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर इन दिनों ओवर और अंडरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं ब्रिज निर्माण के दौरान यहां पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 का बाहरी हिस्सा अब तक तोड़ने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विद्यालय के आगे का हिस्सा तोड़ने के निर्णय की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को यहाँ पढ़ने वाले करीब 350 बच्चे चिंतित नजर आए, तो उनके अभिभावक भी लामबद्ध हो गए। क्षेत्रवासियों ने नंबर 4 स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया और मंगलवार को विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रशासन से बात की। इसकी सूचना मिलने के बाद राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने नंबर 4 स्कूल पहुंच गए। यहां विधायक विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के साथ ही बैठक में संघर्ष समिति के लोगों ने विधायक जैन से समस्या का समाधान करने की मांग की। इनका कहना था कि विद्यालय का बाहरी हिस्सा तोड़ने से बच्चे की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण की वजह से स्कूल आने और जाने के बच्चों को हो रही दिक्कतों का भी हवाला दिया। इस पर विधायक जैन ने विद्यालय का आगे का कुछ हिस्सा ही तोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल का आगे का हिस्सा जब तक दोबारा बनाकर स्कूल को व्यवस्थित नहीं किया जाता, तब तक इस स्कूल को गंगा स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और किसी हादसे का भी भय नहीं रहे। इस पर संघ समिति के लोग माने और विधायक की बात पर अपनी सहमति जाहिर की। और ये नंबर 4 स्कूल में जो पास में जो ओवरब्रिज बन रहा है, उसको लेकर परिजनों में घबराहट है, बच्चों में भी हताशा आ रही है कि हमारी स्कूल है और ये बिखर जाएगी, ये वो, ये सारी कुछ हुई। तब सारे पेरेंट्स यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी। क्या मुद्दे हैं जिनकी कमेटी बनाई गई, क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या मांगे हैं आपकी उनमें? भाई, हमारी प्रमुख मांग तो यह है कि भाई ये स्कूल जो 100 वर्षों से यहाँ संचालित है और ये यहीं रहनी चाहिए, और दूसरी यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, और तीसरी है कि यहाँ बच्चों को सारे बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिले, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो। यहाँ 36 कौम के गरीब परिवारों के बच्चे हैं और जो सरकार की शिक्षा नीति रीति है वो इन बच्चों को मिले। जो विद्यालय के आगे आरओबी अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है, इस काम के अंतर्गत भवन का आगे का हिस्सा है वो तोड़ने और हटाने की बात चल रही है, जिसको लेकर के पिछले 2 दिनों से इस भवन के 2 बड़े हॉल, 2 छोटे कमरे, शौचालय, इन सबकी खिड़कियां दरवाजे हैं वो आरओबी के कर्मचारियों के द्वारा, लेबर के द्वारा निकाली जा रही थी। जैसे अभिभावक हमेशा इस विद्यालय में रूटीन में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए इसमें आते हैं, तो आज जैसे ही वो आए और उन्होंने देखा कि विद्यालय के भवन के आगे और अंदर से टूटा हुआ सारा मलबा देख करके उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तभी विद्यालय ने कहा इस प्रकार खंडित हो रहा है। और इसी दरमियान कल डीओ सर ने भी आदेश कर दिया कि अभी विद्यालय में टूटने का काम होगा, तो विद्यालय को यहाँ से मर्ज विद्यालय गंगा है पास में, यहाँ से आधा किलोमीटर वहाँ इसको शिफ्ट करने की बात कही गई। साथ में विद्यालय अंग्रेजी माध्यम भी हो गया उसको लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के, और विद्यालय में स्टाफ भी नहीं है पिछले 6D के बाद 3 वर्षों से, इन 3-4 मुद्दों को लेकर के अभिभावक इकट्ठे हो गए और उन्होंने फिर क्या है कि यहाँ चर्चा करी, बात करी, और इसी दरमियान समाज के प्रबुद्ध जन, नदिया समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी कोरवाल, मिश्रीमल जी ढेलिया साहब, MLA साहब, ये सब लोग आए और इन सबने डिस्कस किया और किस प्रकार से विद्यालय का संचालन हो सके और आरओबी का काम भी हो सके और विद्यालय में स्टाफ भी उपलब्ध हो, इसको लेकर के ये मीटिंग आ गई। चौहटन फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज व अंडरब्रिज की चौड़ाई तय करने में आ रही दिक्कतों के बाद प्रशासन की ओर से नंबर 4 स्कूल के आगे के हिस्से को तोड़ने की स्वीकृति जारी की। इसके बाद मंगलवार को चिंतित अभिभावक संघर्ष समिति बनाकर स्कूल पहुंचे, जहां विधायक ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक और संघर्ष समिति के लोग मौजूद रहे।